सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा अर्थवर्क का काम है जो कि किया गया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि किया गया है LNT द्वारा और जो कि किया गया है इंडियन रेलवे के अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे, जिसे कि हम और आप कहते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इस देश की डेवलपमेंट की जो गाड़ी है वो बहुत तेजी से दौड़ने वाली है, क्योंकि यहां से सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी जाने वाली है, और वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। डबल डेकर मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब दौड़ेगी तो इस देश का जो डेवलपमेंट का रफ्तार है वो भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इससे इस देश के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कि जब यूपी के दादरी से होता हुआ ये जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक, तो सोचिए कितना सारा सामान ये अपने साथ लेकर जा सकता है, क्योंकि डबल डेकर मालगाड़ी होने वाली है। इस प्रोजेक्ट की पूरी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो वो है अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर। इसमें से 630 किलोमीटर ऑपरेशनल है, बाद की जो 874 किलोमीटर रह रहा है वही अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसा नहीं कि इस पूरे पे काम किया जा रहा है, इसको फेज वाइज बनाया गया था और 630 किलोमीटर अभी इस वक्त पे अप एंड रनिंग है और पूरी तरीके से आपको उसके ऊपर फ्रेट ट्रेन है वो देखने को मिल जाता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बनाया जा रहा है यूपी के दादरी से रेवाड़ी तक का जो पार्ट है, क्योंकि रेवाड़ी के आगे स्टार्ट है और रेवाड़ी जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख भी जाता है ये डबल डेकर मालगाड़ी। यूपी के दादरी से लेकर रेवाड़ी तक का जो पार्ट है इसी पे काम किया जाना है और उसी का काम मैं आपको दिखा रहा हूँ, सोहना होते हुए गुजरने वाला है और यहीं पे सोहना में सबसे ऊंचा अर्थवर्क का काम इसके ऊपर किया गया है। सोचिए कितनी सारी मिट्टी यहाँ पर डाली होगी तब जाकर इतना ऊंचा अर्थवर्क का काम किया, और उसके बाद इस तरफ हम और आप जाएंगे तो यहीं पे दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिकल सुरंग है जो कि डबल डेकर मालगाड़ी के लिए होने वाला है। इस जगह पर सामने अगर आप देखेंगे तो ये पहाड़ की कटिंग का काम किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो काम किया जाएगा यहाँ पर बनाए जाने हैं पिलर्स। जी हाँ, क्योंकि बारिश का जो पानी है इस जगह पर आता है और ये सबसे लंबा पार्ट होने वाला है इस पूरे पॉइंट पे जहाँ पर एलिवेटेड हिस्सा बनाया जाना है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर बनाने का जो काम है वो स्टार्ट भी हो चुका है, और ये अगर आप देखेंगे तो पिलर का फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, उसके ऊपर अब पिलर तैयार करने की तैयारी की जा रही है, और इन सभी जगहों पर पिलर्स बनाए जाने हैं। आगे अर्थवर्क का काम भी हो चुका है। अब इस तरफ अगर आप जाएंगे दोस्तों तो इस तरफ हमें और आपको दुनिया का सबसे पहला सुरंग देखने को मिलेगा जो कि बनाया गया है डबल डेकर मालगाड़ी के लिए, और वो भी इलेक्ट्रिकल। तो अब इसके आगे ये जो पिलर देख रहे हैं इसके आगे कोई पहाड़ की कटिंग का काम नहीं किया जाना है, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पिलर्स बनाए जाने हैं। जी हाँ, और पहाड़ की कटिंग का जो काम है वो बस ये जो हिस्सा रह रहा है बस इसी हिस्से पर किया जाना है, और उसके बाद फिर हमें और आपको पिलर्स देखने को मिलेंगे। अगली बार जब मैं आपको इसका अपडेट दूंगा तो उस वक्त पे हमें और आपको बहुत सारे पिलर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर, और इस तरफ है जो कि बनाया गया है इलेक्ट्रिकल सुरंग। सामने आप देख रहे हो ये है वो सुरंग, ये 1 किलोमीटर लंबा पूरा सुरंग होने वाला है। ये वो हिस्सा है जहां पर ये बाहर आता है, तो ये अगर आप देखोगे ड्रोन शॉट तो ये वाला जो है हिस्सा ये जब
इंटर करता है, यानी कि एलिवेटेड पार्ट जो मैं आपको दिखा रहा था उससे, जब ये सुरंग के अंदर जाने वाला होता है। बाहर आने के बाद कुछ आपको इस तरीके का दिखने वाला है। सामने केएमपी एक्सप्रेस वे है और केएमपी के पैलर में होता हुआ ये आगे की तरफ जाने वाला है। इस तरफ सुरंग तो बना लिया गया है, सुरंग के आसपास ही अगर आप देखोगे तो ये जो पहाड़ है, ये जो चट्टाने, इनकी कटिंग का जो काम है वो किया जाना है। उसके आगे अगर आप आओगे 50 मीटर आगे आओगे तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो पहाड़ की कटिंग का काम है वो कर लिया गया है इस पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ पर एक ये एलिवेटेड हिस्सा बनाया गया है। ये एलिवेटेड हिस्सा इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर रोड है तो इस सर्विस रोड से लेकर दूसरी सर्विस रोड की कनेक्टिविटी जो है वो दी जा सके। अब इसके नीचे, यानी कि ये जो एलिवेटेड हिस्सा देख रहे हो ना, इसके नीचे से होता हुआ ये आगे की तरफ जाने वाला है। तो इसके आसपास की जो मिट्टी है ना, इसको भी निकाले जाने का काम अभी यहाँ पर किया जाना है। जी हाँ, और बहुत सारी जो मिट्टी है उसको निकाला जाएगा यहाँ पर। ये जो एलिवेटेड पार्ट है, यानी कि ये जो फ्लाईओवर है, ये तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। कुछ वक्त पहले ही इसे बनाया गया था और जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसको सिर्फ और सिर्फ एलएनटी ने इसलिए बनाया था कि जो गाड़ियाँ हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, यानी कि कनेक्टिविटी प्रदान यहाँ पर किया जा सके ताकि किसी को भी भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। और उसके बाद फिर आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ठीक इसी तरीके से जो मिट्टी निकालने का काम है वो किया जाएगा और केएमपी एक्सप्रेसवे के पैलर में होता हुआ ये आगे की तरफ जाएगा। और इस तरफ ये है सुरंग जो कि बनाया गया है, और जो बनाया गया है एलएनटी और उनकी टीम द्वारा। जी, वाइड एंगल लेंस से दिखाऊं तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर नज़ारा दिखता है और बड़ा ही कमाल का और अद्भुत नज़ारा दिखता है इस जगह पर। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।